लॉन्ग प्रेस करके रखिए, ये स्टार्ट हो गया। तो आपको इसमें कीलेस स्टार्ट सिस्टम भी मिल जाता है। मैं आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रूजर बाइक है, इस पर आपको मैक्सिमम कंफर्ट मिलने वाला है। और पहले मैंने आप लोगों को बनाकर इस पर दिखाया था, वो ब्लैक कलर का था। अभी मैं आप लोगों को रेड कलर के ऊपर दिखाने वाला हूँ। काफ़ी खूबसूरत ये बाइक आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इसका पहले मैं आप लोगों को प्राइस बता देता हूँ। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ये पड़ने वाला है 2 लाख रुपये। और इसका जो सिंगल चार्जिंग रेंज है, ये आपको मिलने वाला है 180 किलोमीटर का, यानी काफ़ी बड़ा रेंज आपको मिल जा रहा है 180 किलोमीटर का। यदि आप उसको कम भी समझिए तो कम से कम 150 किलोमीटर के आसपास तो प्रैक्टिकली आपको किसी भी रोड कंडीशन पर मिल ही जाने वाला है। लेकिन डिपेंड करता है आप किस मोड पर आप चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका रेंज चेंज हो जाता है। और इसका जो सिंगल चार्जिंग टाइम है वो 5 से 6 घंटे लगने वाला है। और इसका जो सिंगल चार्जिंग यूनिट है वो आपको लगने वाला है 5 यूनिट के आसपास। तो ये सारा ब्रीफ में डिटेल था। अब हम देख लेते हैं इसके सेफ्टी एंड कंफर्ट में क्या क्या फीचर है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट से जो इसका लुक है कुछ ऐसा आपको अपीयर होने वाला है, काफी इसका दमदार अपीयरेंस हो जा रहा है। और इसका जो राइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से बन जाता है। काफी लंबी आपको ये बाइक मिल रही है और कंफर्टेबल। तो ऑफकोर्स इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट है काफी चौड़ा मिल रहा है, प्लेन राइडर के लिए भी, राइडर के लिए भी, दोनों तरह से काफी अच्छा हो जा रहा है। स्टोरेज मिल रहा है और रियर सेक्शन कुछ इस तरह से बनने वाला है। और लेट प्रोफाइल फाइनली देखिए तो कुछ ऐसा आपको एक लग्जरी बाइक का आपको फील देने वाली है ये बाइक। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी एंड कंफर्ट में क्या क्या फीचर आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके विंड वाइजर से। तो इसका जो विंड वाइजर है ये आपको काफी बड़ा मिल रहा है, कुछ इस तरह से आपको ये डिजाइन देखने के लिए मिलता है। और इसका जो हेडलैम्प है ये आपको कन्वेंशनल डिजाइन में मिल रहा है जैसे पुराने समय में होता था। और यहाँ पर थोड़ा इसका हेडलैम्प का जो अपर पोर्शन है ये इसके हेडलैम्प को ऐसे कुछ कवर कर रहा है। ये क्रोम फिनिश के साथ में आ रहा है। और इसी के साथ साथ आपको 2 और हेडलैम्प मिल जाते हैं। मैक्सिमम विजिबिलिटी मिलने वाली है अंधेरे में भी और लो विजिबिलिटी एरिया में भी। और इसके साथ साथ जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाने वाला है। और इसी पर आपको मिल जाता है कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर जो आपके टर्निंग के समय में आपके प्रेजेंस को शो करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसके मडगार्ड का। तो इसमें एक आपको लॉन्ग इसका मडगार्ड मिल जा रहा है, स्पाइसी रेड कलर इस पर रखा गया है, ग्लॉसी रेड कलर का ये टच आ रहा है। ग्लॉसी रेड एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन की वजह से इसका जो लुक है ओवरऑल काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जा रहा है। बात करें हम इसके सस्पेंशन का, तो फ्रंट में आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। सस्पेंशन का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। रियर में आपको मिल जाता है डुअल शॉक एब्जॉर्बर, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर अरेंज किया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम का। तो इसमें आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। फ्रंट डिस्क का जो साइज है वो आपको 270 का मिलता है, जबकि रियर डिस्क का साइज आपको यहाँ पर 240 मिलता है। तो इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, CBS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से आगे और पीछे जो दोनों ब्रेक हैं यूनिफॉर्म तरीके से लगने वाला है। तो जो बाइक के स्किड होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। किसी भी सरफेस पर आप इसको इसके ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो आपका ब्रेक रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा रहने वाला है और बाइक का जो कंट्रोल है वो काफ़ी दमदार रहने वाला है। इसके ब्रेक के बाद आ जाते हैं हम इसके व्हील के बारे में। इसका यहाँ पर टायर देखिए ब्लॉक पैटर्न पर आपको मिल रहा है, कुछ ऐसे ऑफ रोडिंग भी यदि आपको करना है तो उसमें भी आपका हेल्प होने वाला है। और यदि आप सिटी राइड करते हैं या ऑफिस जाते हैं तो उस पर्पज़ में भी आपका काफ़ी अच्छा पर्पज़ सॉल्व होने वाला है। इसका जो फ्रंट टायर का साइज़ है ये आपको 17 इंच का डायमीटर का मिल रहा है और साइज़ दिया गया है 110x80 का। ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है, जबकि रियर टायर इसका थोड़ा सा आपको वाइड देखने के लिए मिलने वाला है। कि रियर टायर आपको मिल जाता है 140x70 के साइज़ का और जो इसका डायमीटर है वो आपको सेम मिल रहा है। तो रियर टायर के वाइड होने का एक अपना एडवांटेज हो जाता है, रोड पर जो आपका ग्रिप है, जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके व्हील सस्पेंशन और ब्रेक्स आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके बैटरी और मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ आपके लेग के प्रोटेक्शन के लिए कंपनी बिल्ट आपको यहाँ पर मिल जा रहा है लेग गार्ड, जिसका डिजाइन यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है स्टील फिनिश के साथ में। और फुटरेस्ट जो है राइडर का ये आपको मिल रहा है काफ़ी बड़ा और कंफर्टेबल, आपका फुट है कंप्लीट यहाँ पर रेस्ट उसको मिलने वाला है और स्ट्रेचेबल हो जाता है। मैं बैठकर अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा आपको इसमें पोजीशन देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैक्सिमम कंफर्ट है, क्रूजर बाइक है तो ऑफकोर्स ये तो चीज़ें होनी ही थी। उसके साथ साथ इसका जो एडवांटेज है वो आपको मिल जा रहा है। और इसका जो बैटरी का पोजीशन है यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको ब्रांडिंग मिल जाता है रेंजर कोमाकी का, जो कि कुछ इस तरह से अपीयर होने वाला है। तो इसको एक थोड़ा सा स्टाइलिश लुक दे दिया गया है, इसको थोड़ा सा बाहर उभार भी आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पर प्रोविजन हो गया। और जो फ्यूल टैंक का यहाँ पर जो डमी पीस है इसमें यदि कुछ स्टोरेज देता तो काफ़ी अच्छी बात थी, अदरवाइज अभी फिलहाल जो है ये आपको कुछ ऐसे शेप में देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर कोमाकी का स्टील फिनिश के साथ में दोनों साइड में ब्रांडिंग आता है और सेंट्रल फिनिश जो है ये आपको कुछ ऐसा अपीयर होने वाला है जो कि क्रोम फिनिश के साथ में आ रहा है। यहाँ पर आपको ये सारे प्रोविजन मिल जाते हैं, की होल और यहाँ
और यहाँ पर आपको इंडिकेशन, लेकिन ये सारे आपको डमी पीसी मिल रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है होगा बेसिकली आपके लिए। और यहाँ पर जो सेंट्रल फिनिश है कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। टॉप जो है ये क्रोम फिनिश के साथ रखा गया है और नीचे आपको मिल जाता है स्पाइसी रेड कलर का। और इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये स्प्लिट में दिया गया है। राइडर का जो सीट है यहाँ पर देख लीजिए लेदर फिनिश है, और ये बटन से कुछ ऐसे आपको साइड में इसका फिनिशिंग वर्क देखने के लिए मिल जाने वाला है। और यहाँ सेंटर में भी है, तो एयर सर्कुलेशन जो है वो भी मैक्सिमम होता रहेगा और कंफर्टेबल एक राइड मिलने वाली है। और प्लेन राइडर के लिए सीट जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जा रहा है बैक रेस्ट, तो प्लेन राइडर को भी मैक्सिमम यहाँ पर आपको कम्फर्ट मिलने वाला है। और इसका जो ग्रैब रेल है ये थोड़ा सा हाइट पर दिया गया, फुल बैक रेस्ट के जैसे काम कर जाने वाला है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एडिशनल स्टोरेज दोनों साइड में, यदि आप टूरिंग के शौकीन हैं तो ये आपका जो स्टोरेज सामान स्टोर करने का स्पेस है ये यहाँ पर आपको भरपूर मिल जा रहा है। और इस पर आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है दोनों साइड से, ताकि किसी भी तरह से इसके टूटने या गिरने का जो चांस है वो भी नहीं रहने वाला है। बात करें हमें इसके साइड इंडिकेटर का, तो ये आपको कन्वेंशनल डिजाइन में मिल रहा है कुछ ऐसे, यहाँ पर ऑरेंज कलर की आउटर कवरिंग दी गई है। और पीछे जो फिनिश है ये आपको क्रोम के साथ आ रहा है। और इसका जो टेल लैंप है ये भी आपको ट्रेडिशनल डिजाइन में मिल रहा है, थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ उभार जैसा आपको यहाँ पर देखने वाला है। बेस इसका आपको ब्लैक एंड क्रोम के साथ में दे दिया गया है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रीन नंबर प्लेट, तो कुछ ये प्रोविजन मिल जाता है इसके सेफ्टी एंड कंफर्ट में। और लेफ्ट साइड से देखें तो यहाँ पर भी आपको सारे वही यूटिलिटीज मिलने वाले हैं, और प्लेन राइडर का जो फुटरेस्ट है कुछ ऐसा होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोटर का, तो इसमें आपको मिल जाता है 400 वाट का BLDC हब मोटर, जो कि रियर व्हील में इंस्टॉल किया गया है। और रियर में होना ही चाहिए, क्योंकि जो आपका वेट है वो रियर में रहने से ज़्यादा आपका जो बाइक का कंफर्ट है और बैलेंस वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें आपको BLDC हब मोटर मिल जा रहा है 4000 वाट का। और इसका जो बैटरी है ये आपको मिलता है 72 वोल्ट का 50Ah के साथ में। तो ये था बैटरी और मोटर, और आप लोगों को चार्जिंग टाइम और यूनिट मैंने पहले ही बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद मीटर कंसोल का, तो यहाँ पर मीटर कंसोल कुछ इस तरह से आपको राउंडेड शेप में देखने के लिए मिलने वाला है। इसको मैं ऑन करता हूँ, ऑन होने के बाद काफ़ी क्लासी यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले मिला है। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा स्पीडोमीटर, इसके साथ साथ जो बैटरी का परसेंटेज है, बैटरी का जो स्टेटस है ये आपको शो होने वाला है, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको पता चलने वाला है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन कौन से मोड पर आप चला रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो जैसे अभी आपका फर्स्ट मोड है, सेकेंड मोड है, थर्ड मोड है, यहाँ से आप को ये इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली है। इसके मीटर कंसोल के बाद अभी मैं आप लोगों को कंट्रोल स्विचेस के बारे में बता देता हूं। तो इसमें बहुत सारे आपको स्विचेस मिलने वाले हैं और बहुत सारा आपको मॉडर्न फीचर मिल रहा है, तो ये सारे आपके यूटिलिटीज के लिए हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक फीचर से। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है अपर एंड डीपर के लिए पार्किंग लाइट, जो आपके टनल पास होते हैं या लो विजिबिलिटी एरिया में आपके लिए काफी अच्छा काम करता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एडिशनल एक हॉर्न के लिए स्विच, और यहाँ पर वॉल्यूम प्लस करने के लिए, चैनल चेंज करने के लिए दूसरा, यहाँ पर वॉल्यूम माइनस, और निगेटिव साइड में यदि आप चैनल चेंज करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है। और इसके साथ साथ आप कॉल रिसीव एंड डिसकनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से, यदि आपने इसको कनेक्ट किया है तो। और यहाँ से आप मोड को चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पर अभी आपने आवाज़ सुना, इसमें एक आपको स्ट्रॉन्ग स्पीकर दिया गया है, आप गाना सुनते हुए भी जा सकते हैं। यदि पिकनिक स्पॉट पर हैं तो अपने मोबाइल को कनेक्ट करके आप आराम से डांस वगैरह कर सकते हैं, और इसका आप लुत्फ ले सकते हैं इसके स्पीकर का। तो यहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जा रही है। और राइट हैंडल बार पर आपको ये 3 स्विच मिल जाता है। यहाँ पर जो मोड चेंज करने का स्विच है, इसमें दिया गया है इको, कंफर्ट और स्पोर्ट मोड। इसके साथ साथ आपको मिल जाता है टर्बो मोड। टर्बो मोड पर यदि आप करते हैं वो स्पेशली आपको पास करने के लिए, दूसरे व्हीकल को यदि आप पास कर रहे हैं उस समय आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रूज एंड रिवर्स का। और क्रूज कंट्रोल का एक अपना एडवांटेज होता है, एक स्पीड आपने सर्टेन अचीव कर लिया है उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, और ये अपने आप उस स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ने वाली है। तो जो हाईवे वगैरह पर है आपको कंफर्ट के लिए काफी अच्छा हो जाता है। तो ये सारा डिटेल था इसके मीटर कंसोल एंड स्विचेस के बारे में। अभी मैं आप लोगों को इसका की का डिटेल बता देता हूँ। तो इसमें आपको मिल जाता है रिमोट स्टार्ट सिस्टम, इसमें आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप रिमोट से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये मोड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसके साथ साथ एंटी थेफ्ट अलार्म भी इसमें दिया गया है, और लॉक अनलॉक कर सकते हैं दूर से ही। तो जैसे मैं अभी आपको एक फीचर का यूज़ करके दिखाता हूँ, ये अभी लॉक हो गया, यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। यदि अभी आपको स्टार्ट करना है तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना, अनलॉक करिए और इसके बाद आप लॉन्ग प्रेस करके रखिए, ये स्टार्ट हो गया। तो आपको इसमें कीलेस स्टार्ट सिस्टम भी मिल जाता है। इसके रिमोट एंड की के बाद हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर के बारे में। इसमें आपको साइड स्टैंड सेंसर दिया गया है
क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको किसी तरह का आवाज़ नहीं होता है, तो आपने ऑन किया है और किसी भी तरह से एक्सेलरेट हुआ तो गाड़ी जो है आगे बढ़ जाएगी। इसके वजह से यदि आपका साइड स्टैंड सेंसर लगा हुआ है तो गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपको उसको ऊपर लेना पड़ेगा। तो आप कॉन्शियसली, इसका मतलब आप रेडी टू राइड हैं, तभी आप उसको ऊपर करेंगे, तो ये एक सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है। तो ये सारा डिटेल था इस बाइक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से मैंने सारी जानकारी शेयर की है, कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ये शोरूम है कांदीवली में हाईवे के पास में और बिल्डिंग का नाम है सुमुख, और यहाँ पर आएंगे तो आपको इजीली पता चल जाने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपसे शेयर हो जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ले सकते हैं और आप कॉल कर सकते हैं फर्दर कोई भी इंक्वायरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।